तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका ACC डिफेंस एकेडमी में। और यहाँ पे जो जनरल साइंस के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ACC 131 की बात करें जो कि कंडक्ट होने वाला है 5 जुलाई को, तो आज वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये क्वेश्चंस आपके पहले भी आ चुके हैं कई बार, तो इनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी साथ के साथ में हम डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ब्लड प्रेशर मे बी इंक्रीज बाई दी एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ, तो यदि आपका कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो है आपका थायरॉक्सिन। और ये कौन सी ग्लैंड से निकलता है? ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। नॉर्मल जो सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक सबसे पहले आपको जानना होगा डायस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या होता है, तो जब आपका हार्ट रिलैक्स्ड कंडीशन में है तो इसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। और सिस्टोल किसको बोलते हैं? जब कॉन्ट्रैक्टेड है तो आपका 120 mm ऑफ SG रहता है सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है? 80 mm ऑफ HG, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका आता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो है गैटर, ठीक है। BP को आप किससे मेजर करते हैं? तो सिग्मैनोमीटर जो रहता है उसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर करेंट, करंट को मेजर करने के लिए हम किन डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर 2 डिवाइस यूज की जाती हैं करंट के लिए, पहला तो है अमीटर, सेकंड है गैल्वेनोमीटर। अब आप कहें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यदि आपके करंट का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको हम अमीटर से मेजर करेंगे, यदि माइन्यूट करंट है मतलब अमाउंट उसका कम है तो उसको गैल्वेनोमीटर से हम मेजर करते हैं। पोटेंशियोमीटर वी विल यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, और वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वोल्टेज बोलते हैं, तो ये हम वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। तो इसका आंसर आपका है बी। नेक्स्ट, नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनिमल फूड, तो विटामिन से आपका हर बार क्वेश्चन आता है 100%, और जो आपका विटामिन वी है ये किसी एनिमल फूड में नहीं पाया जाता। आपका जो क्वेश्चन आएगा विटामिन में उसमें केमिकल नेम पूछा जाएगा और उसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे विटामिन जो सी है एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, और इसकी कमी से कौन सा स्कर्वी नाम का रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, क्रैकिंग ऑफ स्किन। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, जिससे क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन K फाइलोक्विनोन, इसका जो केमिकल नेम है, और यदि आपके कहीं पर चोट वगैरह लगी है और रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। नेक्स्ट, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कौन से पॉल्यूटेंट होंगे जिससे एसिड रेन होती है? तो ये आपका होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और इस रेनफॉल में आते हैं, और किस में रहते हैं? ट्रोपोस्फीयर में। आपने सुना होगा कि ताजमहल का जो कलर है वो येलोइश होता जा रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? मार्बल कैंसर, उसका रीजन भी है एसिड रेन। ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू, किडनी में ब्लड आपका रेनल आर्टरी जो होती है उसके थ्रू एंटर करता है। विच डिवाइस यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपको यदि इमेज निकालनी है ह्यूमन बॉडी की तो आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड हम यूज करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स रहती है उसकी फ्रिक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक रहती है? तो मोर देन 20 kHz इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है, और यदि 20,000 से कम है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। एक और यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है कि ऑडिबल फ्रिक्वेंसी कितनी है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो यदि आपको पता है तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। MRI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का फुल फॉर्म है। एक्सरे किस बेस पर है? रोंटगेन, ठीक है। CT का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड अ पॉल्यूटेंट, ये पॉल्यूटेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में रिएक्ट कर लेता है, तो इसको एज अ पॉल्यूटेंट कहा गया है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका ए। फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, किस टाइप का प्रोसेस है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये फर्मेंटेशन, ठीक है, जिसमें कि ग्लूकोज बनता है आपका इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे
जो आपका फार्मूला है वो है C6H12O6+O2, तो 6CO2+6H2 बनेगा। ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, दी सलाइवा सीक्रेटेड इन दी माउथ डाइजेस्ट, किसको डाइजेस्ट करती है? ये आपका जो स्टार्च रहता है उसको डाइजेस्ट करती है। सलाइवा किस ग्लैंड से निकलती है? सेलिवरी ग्लैंड से निकलती है। इसका पीएच कितना होता है? 6.8 होता है। और आपको बताना होगा कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है, तो ब्लड का पीएच कितना होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और जो कार्बोहाइड्रेट रहता है आपका सलाइवा में, दो एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसका नाम क्या है? सेलिवरी एमाइलेज और माल्टेस। इन दोनों की मदद से आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होता है। दी फंक्शन ऑफ दी हार्ट, हार्ट का फंक्शन क्या है? तो ब्लड को पंप करना और सप्लाई करना डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड किससे होता है? लंग्स प्लस किडनी। व्हाट आर द बेसिक यूनिट ऑफ विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड, तो ये कौन सा है आपका? स्टेम सेल्स। नर्व सेल्स आपकी होती है न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन्स हैज मिनिमम रीजनरेशन पावर, ठीक है। लीवर हैज मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। स्टडी ऑफ हार्ट को बोला जाता है कार्डियोलॉजी। तो ये क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ब्लड ग्रुप किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो लैंड स्टेनर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विलियम हार्वे के द्वारा सर्कुलेटरी सिस्टम को खोजा गया था। ए बी जो रहता है इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। ओ जो आपका ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं। दी एसिड स्टोर्ड इन बैटरी, तो कौन सी रहता है वो? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4 को हम किंग्स ऑफ एसिड भी बोलते हैं। HCl जो आपका एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। एंड ऑल्सो यूज इन बाथरूम क्लीनर। नेक्स्ट आपका एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। इथोनिक एसिड भी उस बोलते हैं, जो कि एक विनेगर होता है, आपने सुना होगा, जो कि फूड या फिर डिशेस बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, डोरमेंसी पीरियड ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर सीजन इज कॉल्ड, तो क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन काम वाटर ऑफ अ पाउंड वेव्स प्रोड्यूस, किस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वहाँ पे? तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव दोनों तरह की रिलीज होती हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ट्रांसफर वेव में क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर। और यहाँ पे ACC 131-132 का मई बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आज आपको मिल रहा है 50% ऑफ। यदि आज आप ज्वाइन करते हैं जिसमें आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, ये नोट्स रहेंगे टू द पॉइंट ACC एग्ज़ाम के लिए, जो कि प्रिपेयर किए गए हैं बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। लास्ट 5 ईयर से आपके टीचर्स ACC डिफेंस अकेडमी में टीचिंग कर रहे हैं फॉर ACC, और टॉप रैंकिंग जो आती है हमारी, उसका कारण यही है कि यहाँ पे जो नोट्स दिए जाते हैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस होंगे जिनमें आप आपके डाउट भी पूछ सकते हैं, इसमें आपको MCQ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कवर किए जाएंगे, और PYQ और मॉक टेस्ट रहेगा। तो ये सब कुछ मिलने वाला है आपको। इसके लिए आपको मैसेज करना होगा 8120745966, या फिर आप एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट जाकर इससे एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ACC डिफेंस अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर, वहाँ पर जाकर आपको ACC 131 न्यू बैच शो हो रहा होगा। तो लास्ट 2 मंथ में यदि आप चाहते हैं कि आपकी रैंकिंग 500 के अंदर आए, तो अभी के अभी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही यदि आप प्रेफर करते हैं हार्ड बुकलेट्स, जिसमें आपको फुल थ्योरी वन लाइनर्स MCQ, मतलब एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा, 6 बुकलेट्स 6 सब्जेक्ट की आपको आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी विद इन 5 वर्किंग डेज में। इसको भी ऑर्डर करने के लिए आपको सेम ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैसेज करें, या फिर एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट जाकर इसे एनरोल कर सकते हैं। तो अभी आपके पास मौका है, वीकेंड ऑफर चल रहा है, आपको कूपन मिल जाएगा, नहीं तो फिर लास्ट में आप परेशान हो जाएंगे। अभी ज्वाइन करते हैं तो आपका फुल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, साथ में यहाँ पे आपको एक रिवीजन मिल जाएगा जिससे कि आपकी रैंकिंग 500 में आ जाएगी। तो अभी के अभी ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू वेरी
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।